हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है हमारे पास 1109 कैंटर जो कि 6 चक्का है दोस्तों, और हमारे पास आया दोस्तों स्पेशल गाड़ी गाजियाबाद की है। कस्टमर ने नंबर यूट्यूब से सर्च किया था और वो पता कर रहा था कि हमारी गाड़ी जो है अंदर से टायर दबा रही है, तो हमने नॉर्मल सा उसे यही कह दिया मैं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी में जो है ट्यूब में फॉल्ट है, आपकी ट्यूब जो है उल्टी हो रही होगी, इसी वजह से आपकी जो ट्यूब है अंदर से टायर दबा रही है। तो उसने टायर दबाने की जो शिकायत की है दोस्तों ड्राइवर ने, तो ड्राइवर तो खैर कहीं और है, उनके जो लड़के हैं जो मतलब जो वर्कर होंगे उनके हाथ से गाड़ी यहाँ भेजी उसने मुजफ्फरनगर में हमारे शहर में दोस्तों। तो हमने उस गाड़ी के अंदर जो काम किया है वो ट्यूब में दाब दिया है, जो कि आप वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज गाड़ी में से ट्यूब खोल ली गई है और गाड़ी खड़ी हुई है बाहर दोस्तों, और जो है उसमें ट्यूब में हम देंगे दाब, और कोई इसमें लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। तो दोस्तों एक गाड़ी और आई थी हमारी जो फ्रंट एक्सल में उसमें कमी थी दोस्तों, तो उस गाड़ी का फ्रंट एक्सल हमने करना तो था मगर वो कस्टमर जो था वो करवाया नहीं उसने। फिलहाल जो है उसकी ही जैसी एक गाड़ी है, जैसे 1109 है, सेम ही दो गाड़ियाँ थी, वो शायद 15-12 गाड़ी थी, वो भी कैंटर थी मगर थोड़ी ऊँची थी, ये नीची सी है थोड़ी सी। खैर दिल्ली में CNG वाली गाड़ी ज़्यादा चलती हैं तो अलग अलग मतलब अलग अलग मैटर हो जाते हैं दोस्तों। फिलहाल जो है हमने इस गाड़ी की ट्यूब में दाब देनी है, और क्या इसमें कोई लंबा चौड़ा मैटर है नहीं दोस्तों, तो ट्यूब में अब देते हैं दाब दोस्तों, बने रहना वीडियो के साथ। दोस्तों ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी की हमने ट्यूब खोल रखी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये 1109 है, कैंटर गाड़ी है, और ये आपके सामने खड़ी है दोस्तों। क्या कंडीशन है गाड़ी की, गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल एकदम फन ने खाया है, बिल्कुल सही है एकदम, क्योंकि दोस्तों गाड़ी है नमी, और नमी गाड़ी में दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों इसमें कोई काम निकलता नहीं है जल्दी से, बाकी टायरों की समस्या आती है अधिकतर, जो कि आपको मैं हर वीडियो में यही दिखा रहा हूँ कि नई नई गाड़ियाँ जो है इनकी ट्यूब जो है उनमें दाब आ रही है और दाब देनी पड़ रही है, और कितनी दाब देनी है दोस्तों ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये, क्योंकि दोस्तों हर कोई खोल लेगा और खोल के दबा देगा मगर दबाना कितना है ये किसी को नहीं पता दोस्तों, क्योंकि दबाव जो इस पर ट्यूब पे आएगा गाड़ी में जब माल भरा होगा तो दोस्तों फिर वो टायरों की जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में जाएगी, क्या है क्या नहीं है, वो सब हमें खुद चेक करना पड़ता है दोस्तों, उस हिसाब से ही हमने इसमें दाब देनी है। क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है दोस्तों, क्या होता है कस्टमर अनजान जगहों में, जैसे कि नज़दीकी हमारे यहाँ ऐसे शामली पड़ता है, लोकल जो एरिया है यहाँ पर, उन अनजान जगहों पर काम को अंजाम दिवाते हैं, देखते हैं कि कोई ट्यूब गर्म कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो दोस्तों खुद आप इस काम को जहाँ आपको ठीक लगता है, आपको कहाँ कॉन्टैक्ट में है, कहीं जान पहचान में है, तो उस काम को वहाँ पे इस काम को अंजाम दिलवाएं, क्योंकि दोस्तों अगर हल्का सा भी गलत हो गया तो गाड़ी आपकी जो है एक्सल तोड़ना भी शुरू कर सकती है और आपके हब और झिरी गुल्ले का भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इससे आपकी गाड़ी में काफ़ी समस्याएँ आ सकती हैं, शापट वगैरह में बैलेंस ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये कोई नहीं आपको बताएगा बात, क्योंकि जो मेन पॉइंट वाली बात होती है वो कोई जानकारी देता नहीं है, बस काम कर देते हैं, दबा के फिट कर देते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ गलत है। तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो ड्राइवर भाई है उन्हें पता होना चाहिए, गाड़ी मालिक को भी पता होना चाहिए भी हाँ भाई इसमें क्या दिक्कत है। जैसे कि कैंटर गाड़ी है, अब एक मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी, अब एक हमारे यहाँ लोकल में एक स्कूल है, स्कूल में क्या बस चलती होगी, घर से स्कूल, स्कूल से लॉन्ग रूट पर चलती नहीं है, मगर उनकी जो गाड़ी के टायर है वो दबा रही है बस। खैर हमारे पास आएगी उसकी वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, जो कि हमारे नज़दीकी एक स्कूल है, स्कूल की जो बस है उसके फ्रंट एक्सल और ट्यूब में दोनों में दिक्कत है, मगर मैंने उन्हें कह दिया, मैं कहा भैया गाड़ी यहाँ आएगी खाने के बाद ही हम खोल लेंगे और खोलने के बाद ही उस काम को अंजाम देंगे। तो दोस्तों ऐसी ही सेम ट्यूब है उसमें, और कैंटर सिस्टम ही है भैया कि वो बस का डब्बा सा रखा हुआ है पर समझ लो और कुछ नहीं है, बच्चे ढोते हैं करते क्या है, वो बच्चे स्कूल जाते हैं और घर आते हैं और कुछ नहीं है उसमें, और उसमें कोई माल मूल तो होता ही नहीं है, मगर फिर भी आप देखो कि वजन तो कुछ है नहीं और तब भी गाड़ी टायर खा रही है वो खाली गाड़ी में भी, तो मतलब कि कुल मिला के जो है ट्यूब जो है सब जो है मतलब सही नहीं है, मतलब उनकी पोजीशन सही नहीं है। मैं ये कहने का मतलब ये है कि मैं ट्यूब को ख़राब नहीं कहना चाह रहा हूँ, उनकी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, जो कि हमें बार बार चेक करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है दोस्तों। और आप देख सकते हैं ट्यूब जो है हमने दबा दबू के चेक कर ली है, और इसमें कमी थी वो सब हमने फाइनल कर दी है इसमें अंदर। अब जो ट्यूब है दोस्तों बाहर जाके हम असेंबल करेंगे, जिससे कि ये पूरे फटाफट फिट हो जाए और फिट हो के
अपना इनका काम फाइनल हो जाए। तो दोस्तों बाहर अब जो है ट्यूब को हम ले आए हैं और लेकर ना गाड़ी के पास वहाँ पे अब टांग देनी है दोस्तों। और इसमें कोई और लंबा चौड़ा काम रहा ही नहीं दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, बस अब क्या होता है आपको पता ही है बाज़ार में क्या क्या नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं कभी कुछ। तो दोस्तों तो आप देखेंगे अब जो ट्यूब को हम करेंगे असेंबल और करेंगे फाइनल, करेंगे इसके बारे में बात भी। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ। दोस्तों ट्यूब टांग दिया है 1100, आपने देख लिया दोस्तों ट्यूब में जो काम हुआ है वो टोटल ए टू जेड हो गया है। बाकी दोस्तों अब रह गई रकाबे और वो खैसे देखे और रकाबे जो डालनी है अभी वो भी रह रही है दोस्तों। तो दोस्तों ट्यूब में दे दिया हमने दाब, ट्यूब में जो काम था ट्यूब में दाब देने का जो कि प्रॉपर तरीके से फाइनल हो चुका है, उसमें कोई अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है क्योंकि कस्टमर दोस्तों डायरेक्ट आया था हमारे पास। मैं कई बार आपको दोस्तों को बताता हूँ दोस्तों क्या होता है, कोई भी गाड़ी है कोई भी काम है, जैसे कि आपकी गाड़ी में टायर पंचर का काम हो गया तो आप कहाँ जाओगे, टायर पंचर वाले इंजन वाले के पास चले जाया करो ना, इंजन वाले के पास क्यों जाते, आप डायरेक्ट वहीं जाएँ जिसका जो काम है। ये नहीं है कि आप अगर कुछ चीज़ खुलवा रहे हैं तो उसके पास जाएंगे, इंजन वाला सिर्फ इंजन संबंधित ही चीज़ देखेगा, वो खोल के दे देगा आपको, करवाना भी पड़ेगा। तो मेरा वह कहना यह है कि अगर आपकी किसी भी चीज़ में यूरिया डोजर या कोई भी किसी चीज़ में समस्या अगर आती है तो आप उसी पर्सन के पास जाएँ। सलब में दिक्कत आई है तो आप इंजन वाले के पास जाएंगे कि इंजन वाला खोल देगा, वो भी खोल देगा, मगर इलेक्ट्रिशियन खोल लेगा। गाड़ी के किसी भी पर्टिकुलर सामान में अगर समस्या आती है तो दोस्तों आप डायरेक्ट वहीं जाएं। तो कस्टमर गाजियाबाद से आया है स्पेशल ट्यूब कराने के लिए, तो हमने ट्यूब में दिया दाब। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैंने सिर्फ आपको यही दिखाना था इसके अंदर ट्यूब में दाब वगैरह कैसे दी गई है और जो इसमें काम है जो कि हमारे पास कस्टमर स्पेशल डायरेक्ट वहाँ से आया है, ये नहीं है कि कोई इसमें बीच में था, ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, भविष्य में दोस्तों आपको अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय दोस्तों। Instagram Facebook पे फॉलो कर लिया करो यार, Instagram पे कोई कर ही नहीं रहा, वहीं का वहीं अटका पड़ा मामला।